सो लेट्स सी हाउ टू ऐड आइकन्स इनटू योर रिएक्ट ऐप और नेक्स्ट ऐप. आइकन्स लाइक ये देख रहे हो तुम, बॉक्सेस, फोर बॉक्सेस, या ये लोकेशन वाला, या ये ग्लोब, और दीज एरो डाउन्स, ऑल दीज आर आइकन्स आई एम यूजिंग इन माय नेक्स्ट ऐप बेसिकली. बट रिएक्ट का भी सेम प्रोसेस है. सो वन थिंग, गो टू गूगल एंड सर्च फॉर मटीरियल आइकन्स फॉर रिएक्ट. सो दिस इज द वेबसाइट फॉर मटीरियल आइकन्स, MUI.com. ठीक है, दिस इज द कमांड यू नीड टू एक्जीक्यूट टू गेट ऑल द पैकेजेस फॉर योर आइकन्स. एंड आफ्टर दैट हाउ टू यूज दीज आइकन्स मैं बताता हूँ. ये लेफ्ट पे मेन्यू है तुम्हारा, ठीक है, इसके अंदर मटीरियल आइकन्स करके होगा, उसी में कमांड मिल जाएगी तुम्हें. एंड उसमें जो भी आइकन यूज करना है तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस लोकेशन आइकन. सो जैसे इस आइकन पे क्लिक करोगे तुम्हें इम्पोर्ट करने का मिल जाएगा कि इस आइकन को इम्पोर्ट कैसे करना है. इसको क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा. जहां पे भी इसको यूज करना है पेज पे पेस्ट करो, इम्पोर्ट हो गया. अब इसको यूज करने के लिए यूज इट एज अ कॉम्पोनेंट, ठीक है, जैसे टैग, बेसिकली टैग. तो एक एरो डालो और इसका नाम डालो, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी, वो भी दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेंगी. आइकन्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, हाँ ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज या कुछ कस्टम देना है तो वो दे दो, नहीं तो स्मॉल लार्ज तो चलता ही है. कस्टम देना तो SX करके देना पड़ेगा. और इवन यू कैन ऐड कलर्स ऑल्सो, तो कलर प्राइमरी, सेकेंडरी, वट एवर यू वॉन्ट, तुम कलर्स भी डाल सकते हो. सो हमने भी वैसे ही किया, बस टैग डाला, फॉन्ट साइज डाला, एंड यहाँ पे इधर आइकन आ गया. ऑल सेट.